ਖੜਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਹੋਏ ਉਨਾ ਖੜਾ। जनपद बिजनौर में हमारे जो चुनाव पड़ रहे हैं इसमें हमारे तीन लोकसभा क्षेत्र पड़ते हैं, जिसमें कि नगीना लोकसभा क्षेत्र पूर्ण रूप से है एवं बिजनौर लोकसभा क्षेत्र और मुरादाबाद लोकसभा क्षेत्र का आंशिक पड़ता है। इस कारण से हमारे जनपद में जो चुनाव हो रहे हैं वो तीनों फेज में आ रहे हैं। बिजनौर लोकसभा क्षेत्र प्रथम फेज में है, नगीना विधानसभा क्षेत्र द्वितीय फेज में है और मुरादाबाद लोकसभा क्षेत्र का जो बढ़ापुर विधानसभा क्षेत्र है वो हमारा तृतीय फेज में पड़ रहा है। चुनाव की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, जो हमें विभिन्न टीमें लगानी होती हैं, फ्लाइंग स्क्वाड टीम्स हमारी लग गई हैं, ये स्टैटिक सर्विलांस टीम उनकी ड्यूटी लगा दी गई है, जो हमारे असिस्टेंट माइक्रो ऑब्जर्वर्स हैं असिस्टेंट एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर्स हैं उनकी ड्यूटी लगा दी गई है, वीडियो व्यूइंग टीम है, MCMC कमेटी है, तमाम जितनी कमेटियाँ होती हैं उन सबको ड्यूटी लगा दी गई है। और आज सेंट मेरी स्कूल में इन सब की एक मीटिंग भी बुलाई गई थी जिसमें सबको एक साथ अपने अपने ड्यूटीज़ के बारे में बता दिया गया है और इन सबको बड़े ही कड़े निर्देश दिए गए हैं कि जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट प्रचलित है उसका कड़ाई से अनुपालन कराएं। अगर कोई भी अवैध रूप से नकदी, शराब या अवांछनीय चीज़ें मिलती हैं, अवैध असले मिलते हैं, उन सबको पकड़ें। गाड़ियों की चेकिंग के लिए चेक पॉइंट्स निर्धारित कर दिए गए हैं, सेक्टर्स बांट दिए गए हैं, समक्ष सेक्टर मजिस्ट्रेट्स को भी निर्देशित कर दिया गया है कि वो अपना जो रूट चार्ट है उसको एक बार जांच कर लें, यदि रूट चार्ट में किसी बदलाव की आवश्यकता है तो तत्काल उसे संज्ञान में लाया जाए। जो अश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटीज़ बूथों पे होनी चाहिए उसके बारे में उनको निर्देशित कर दिया गया है कि जाके चेक कर लें कि सभी बूथ हमारे सही हैं या नहीं, उसके बारे में अगर कोई भी रिपोर्ट हो तो कल तक वो उनसे मांग ली गई है। इस प्रकार की सभी जो हमारी टीमें हैं उन सबको अपने दायित्वों के बारे में बताया गया है और हम लोग ये पूर्ण विश्वास कर रहे हैं कि हमारी पूरी जो मशीनरी है ये चुनाव में लगेगी और हम लोग एक शांतिपूर्वक और निष्पक्ष रूप से चुनाव कराने में सक्सेसफुल रहेंगे।